अब चलते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज की तरफ, जो एक साउथ की बड़ी कंपनी है, लेकिन अब उसने पश्चिमी भारत में भी एंट्री ली है। पुणे में बाजार की एंट्री हो रही है, वहीं बेंगलोर के 3 प्रोजेक्ट को भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC मिल गई है। लेकिन कंपनी पर काफ़ी कर्ज है इस समय, रियल एस्टेट में जनरली होता भी है। और FY25 के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं, किन नए शहरों में किन तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करें, और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर इस समय अपने साइकिल के किस पॉइंट पर है, इसको समझने के लिए हम बातचीत करते हैं नो योर कंपनी में। हमारे साथ हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गोपाल कृष्णन जी। गोपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार जी सर, गुड आफ्टरनून सर। पहले तो सर एकदम एक जरा जनरिक सा सवाल मुझे बताइए, रियल एस्टेट को हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 साल में बड़ी सॉलिड रैली इसने बनाई और अक्रॉस द कंट्री हर मार्केट, मतलब जो दिल्ली NCR का मार्केट जो सबसे ठंडा था वहाँ सबसे ज़्यादा हॉट हो रहा है, गुड़गांव वगैरह। आपको क्या लगता है कि इस समय हमारा रियल एस्टेट मार्केट साइकिल जो है उसके किस पॉइंट पर है अभी ये? मार्केट का एक्चुअल आउटलुक देखेंगे, कोविड के बाद जो सेविंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, वो सेविंग्स एक्चुअली कस्टमर्स ने डिप्लॉय कर रहे हैं, इसीलिए डिमांड फॉर हाउसिंग इम्प्रूव्ड पोस्ट कोविड, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल फॉर द सेक्टर, एंड आई थिंक द सेक्टर इज स्टिल ऑन अ राइजिंग कर्व, स्टिल एट लीस्ट 3-4 साल के लिए रेसिडेंशियल आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट्स हैव ऑलसो स्टेबलाइज्ड एंड देयरफॉर वी थिंक कस्टमर डिमांड विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, तो एटलीस्ट 2-3 साल के लिए पॉजिटिव ट्रेंड दिखना चाहिए, एज लॉन्ग एज इंटरेस्ट रेट स्टेबल है और इन्फ्लेशन प्रेशर कम है और इकोनॉमी थोड़ा नॉर्मल परफॉर्मेंस इकोनॉमी में होगा, जॉब लॉसेस नॉट हैपनिंग, पीपल लूजिंग सैलरीज, ये सब ऐसा अनएक्सपेक्टेड शॉक होगा तो इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं तो डिमांड ट्रेंड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 3-4 2-3 इयर्स मिनिमम। ओके गोपाल सर, इन द ओवरऑल सेगमेंट ऑल्सो मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल एक्चुअली डज मच बेटर, लिंक टू सैलरी, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, अदर सेक्टर्स, तो इसीलिए मिड मार्केट का आउटलुक इवन स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। ओके, रेजिडेंशियल का मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 2-3 साल और कम से कम यहाँ से अच्छा दिख रहा है। ये जो हम लोग जनरली देखते हैं कि दो तरह के लोग आते थे पिछले वाले बुल साइकिल में, इन्वेस्टर्स भी बहुत आए थे और जो एंड कंज्यूमर था वो तो आया ही था। इस बार अभी तक हम लोगों को ये पता चल रहा है कि एंड कंज्यूमर ही ज़्यादा है जो यूज़र है, इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में, क्या वो आना शुरू हो गया है? नहीं, अभी तक एंड्यूस ड्रिवन डिमांड ही चल रहा है, प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्टर्स शायद आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेगमेंट है मिड मार्केट सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल में नॉर्मली इन्वेस्टर्स का डिमांड नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि टिकट साइज आर स्मॉल, सो इट्स नॉट अ अट्रैक्टिव व्हीकल फॉर रीडिप्लॉइंग कैपिटल फ्रॉम अदर सेक्टर्स और कैपिटल मार्केट्स इन अदर प्लेसेस, तो मिड मार्केट अफोर्डेबल में नॉर्मली डिमांड कस्टमर ड्रिवन होता है, इसीलिए इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस जैसा हो रहा है, सैलरी साइकिल जैसा है, उसके बेस सेविंग पोटेंशियल कैसा है, इंटरेस्ट रेट का आउटलुक, किसके बेसिस पे मिड मार्केट डिमांड नॉर्मली स्ट्रांग होते हैं, सो अभी भी वही देख रहे हैं हम लोग कि पूरे इंडिविजुअल डिमांड वेरी स्ट्रांग है। अप मार्केट में भी लग्जरी सेगमेंट्स में भी इन्वेस्ट डायरेक्ट एंड यूज कस्टमर का डिमांड आजकल ज्यादा चल रहा है, इन्वेस्टर्स कम है। कृष्ण सर, जनरली IT से जोड़ा जाता है रियल एस्टेट को और खासतौर पर साउथ में कि IT बूम चलती है तो रियल एस्टेट में बहुत तेजी, लेकिन इस बार अभी IT में वैसी हायरिंग की कोई खबरें तो हम लोगों ने सुनी नहीं, क्या केवल वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ है उसकी डिमांड, ये किस तरह डिमांड कहाँ से आ रही है साउथ में? हम लोग देख रहे हैं कि बहुत स्टीडी डिमांड हमेशा चलती रहती है वहाँ पे, तो इस बार की ये डिमांड कहाँ से आ रही, किस तरह की कस्टमर प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं आपके पास? तो अभी भी मोस्टली सैलरी क्लास है, मिड मार्केट अफोर्डेबल में ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो पूरा सैलरी क्लास ही होता है, सैलरी क्लास, लोन अवेलेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, ये तीनों डिटरमिनेंट है, उसके बेसिस पे डिमांड चलता है। अभी ऑल द 3 ड्राइवर्स आर वेरी स्ट्रांग। लास्ट ईयर वी हैड दिस नॉइस अराउंड इकोनॉमी स्लोइंग, ग्लोबल इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, IT स्पेंडिंग स्लोइंग डाउन, all that has subsided now. I think things have come back under control. There are a few sectors which are performing very well, right? IT, pharma, manufacturing. Manufacturing ka, like Chennai is mostly manufacturing driven.
Our markets are basically Bangalore, Chennai, and Kolkata at this point of time, and Pune, we are entering new. Bangalore, Chennai is mostly driven by mostly the salaried class for us. 80% of our customers are salaried class. जी गोपाल सर, ये तो उनका जो तो डिपेंडेंसी है सेक्टर, ये चार पांच सेक्टर्स के जी ऊपर है, चार वो सेक्टर अच्छा सा चल रहा है। सर, पुणे मार्केट में आप एंट्री ले रहे हैं, जो मतलब एमएमआर रीजन में तो खैर नहीं मानेंगे उसको, लेकिन पुणे का मार्केट एकदम डिफरेंट है, मुंबई के एकदम प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ के थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिलने की संभावना है, जो आप अभी लॉन्च करने वाले हैं या लॉन्च की कोई डेट आपने फाइनलाइज कर ली है? हम लोग एक्चुअली नियरली 1 साल से स्टडी कर रहे हैं पुणे मार्केट को। पुणे मार्केट साउथ मार्केट के सिमिलर है, मोस्टली मिड मार्केट अफोर्डेबल इज द बिग लार्जेस्ट सेलिंग सेगमेंट। टिकट साइजेस आर वेरी रीजनेबल, वेरी सिमिलर टू बैंगलोर एंड चेन्नई इन टर्म्स ऑफ कस्टमर डेमोग्राफिक्स, कस्टमर प्रोफाइल। मोस्टली सैलरी क्लास हैं, लिंक्ड टू अ फ्यू सेक्टर्स, दैट दो सेक्टर्स आर ड्राइविंग द लोकल इकोनॉमी। And therefore, we think our business dynamics will be somewhat similar to what we do in Bangalore and Chennai. MMR is a different game altogether, right? The ticket sizes are very high. Pune is like 5 to 7,000, 8,000 rupees per square feet market. 70, 80 lakhs, sub 1 crore ticket sizes for a mid-market product. Those are not the right benchmark for MMR. So it's a very different from MMR. For us, we see it's very similar to our core markets of Bangalore and Chennai. Therefore, we see a very strong probability of success. Market dynamics देखेंगे, market का underlying demand very strong है, one of the best performing markets there, and therefore we think we will be able to make a big success out of our proposed entry by end of this quarter, early next quarter. ओके गोपाल सर, कितने नए लॉन्चेस आपने प्लान किए हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ न्यू ईयर के? FY25 में लगभग 8-9 लॉ प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हमारा टारगेट है। रफली अबाउट 7 मिलियन स्क्वायर फीट, 7 मिलियन स्क्वायर फीट का नया सप्लाई लेके आने वाले हैं विद दिस 8-9 लॉन्चेस अक्रॉस सेक्टर्स, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड वन इन पुणे। सो अबाउट 7 मिलियन स्क्वायर फीट का हमारा नया सप्लाई आएगा, 4-5 मिलियन स्क्वायर फीट का एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होना चाहिए बाय एंड ऑफ द ईयर। तो विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 10-12 मिलियन स्क्वायर फीट और मोर, वी आर टारगेटिंग मीनिंगफुल ग्रोथ फ्रॉम वेयर वी विल एंड इन FY24। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू टेल यू द एक्चुअल नंबर दैट वी आर टारगेटिंग, वी विल गिव यू पब्लिक गाइडेंस इन द नेक्स्ट मंथ और सो। बट वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल बिकॉज अंडरलाइंग डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट इज वेरी कंड्यूसिव, कंसोलिडेशन इम्पैक्ट इज शोइंग अप, लेस नंबर ऑफ प्लेयर्स, मार्केट में डिसिप्लिन, प्राइसिंग एनवायरमेंट इज वेरी पॉजिटिव। देयरफॉर वी थिंक FY25 विल बी अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर मोस्ट डेवलपर्स, मोस्ट ब्रांडेड डेवलपर्स, एंड वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ मेकिंग अ बिग सक्सेस इन FY25। ओके गोपाल सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हम लोग जनरली सुनते हैं कि रियल एस्टेट में इस समय इन्वेंट्री लेवल डिकेडल लो पे है और प्राइसेस भी जो है मुंबई वाले मार्केट में तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स में काफ़ी राइज हुआ। आप लोगों की स्थिति क्या है, किस जो साउथ खास तौर पे है उसमें? इन्वेंट्री देखेंगे, इन्वेंट्री इज एट डिकेड लो। क्रीड़ा प्रॉपर्टी का इन्वेंट्री देखेंगे, हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में जीरो इन्वेंट्री है, जीरो, वी हैव नो अनसोल्ड यूनिट इन एनी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो देखेंगे उसमें शायद ईयर एंड में हमारे पास अबाउट 4-5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास अनसोल्ड इन्वेंट्री हो सकता है। इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ 19 मिलियन स्क्वायर फीट दैट इज ऑनगोइंग, अबाउट 75% इज सोल्ड, रिमाइनिंग 25 टू बी सोल्ड इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट दैट वी हैव लॉन्च्ड इन दिस ईयर एंड एवरीथिंग। एंड प्राइसेस लार्जली मार्केट स्टेबल एज अ रहे। होल आल्सो इन्वेंट्री इज वेरी लो, एस्पेशली मिड मार्केट में इन्वेंट्रीज आर एट अ डिकेड लो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, एंड आई थिंक इट विल कीप गोइंग डाउन बिकॉज़ सप्लाई, नंबर ऑफ सप्लायर्स हैव कम डाउन पोस्ट कंसोलिडेशन, ओवरऑल सप्लाईज आर लैगिंग द डिमांड, सो देयरफॉर आई थिंक द डिक्लाइन, इन्वेंट्री डिक्लाइन विल कीप हैपनिंग इवन इन FY25। As far as pricing is concerned, we have had a very good run post-COVID. This year also, we've had market as a whole, if you look at southern markets, have grown somewhere between about 4-8%. Chennai is about 4-5%. Bangalore is about 7-8%.
कोलकाता इज अबाउट 3-4%। एज अ पोर्टफोलियो हम लोग का एवरेज रियलाइजेशन जो है वो 15% बढ़ा है। प्राइमरली अपना पोर्टफोलियो अपग्रेड किया हम लोगों ने, न्यू लॉन्चेस आर एंड न्यू बेटर माइक्रो मार्केट्स, हायर स्पेक एंड देयरफॉर हायर पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग। तो श्रीराम प्रॉपर्टी का रियलाइजेशन 12-15% हायर हो सकता है ईयर ऑन ईयर फॉर द फुल ईयर। और मार्केट अगर वो देखेंगे तो 7-8% तो इंक्रीज रिफ्लेक्ट होगा। ओके, एंड गुड नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर ऑल्सो वी शुड सी एटलीस्ट बिटवीन 5-8% इंक्रीज मिनिमम इन मोस्ट ऑफ दिस मार्केट्स। यस, चूंकि 5-10% की भी अगर इंक्रीमेंटल राइज हो रही है तो कोविड से आप देखेंगे अब तक तो अच्छी खासी बढ़त हो चुकी है, और ये दिखाता है डिमांड में, जैसे कि मैंने कहा डेकेडल लो स्पेस में इन्वेंट्री है। गोपाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक इनसाइट देने के लिए कि इस समय रियल एस्टेट मार्केट की थैंक सिचुएशन क्या है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की स्थिति थी, अब तो खैर ये कल कोलकाता और पुणे में भी आ गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।